भारत श्रीलंका के बीच धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 26-27 फरवरी को खेले जाने वाले T20 मैचों के दौरान 1,000 से अधिक पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस 24 फरवरी को स्टेडियम को कब्जे में ले लेगी और मैचों के मद्देनजर शहर को 19 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों की सुरक्षा में तैनात किए जाने वाले पुलिस स्टाफ के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। धर्मशाला जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर ये T20 मैच इंडिया श्रीलंका के बीच में हो रहा है 26 और 27 फरवरी को। और उसके लिए पुलिस, जिला कांगड़ा पुलिस अपनी तैयारियाँ लगभग पूरी कर चुकी है। लगभग 1,000 से अधिक हमारे पुलिस के जवान जो है इस दौरान अपनी ड्यूटी देंगे। लगभग 120 के आसपास हमारे गजेटेड ऑफिसर्स, रैंक ऑफिसर भी इस में ड्यूटी देंगे। लगभग हमने छोटे बड़े सेक्टरों को 19 सेक्टर में इसको हमने बांटा है, और जिसमें कि हमारा एयरपोर्ट से लेकर के जो वेन्यू ऑफ स्टे है, होटल है जहाँ पे टीमें ठहरेंगी, और जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं और हमारे जो पार्किंग प्लेसेस हैं, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा जो हमें नाकेबंदी होती है, उसके लिए पुलिस ने अपने जो है वो इंतजाम जो है वो एक कुछ प्लान हमने कर दिया है। हमारा जो बॉर्डर एरिया, हमारे जो धर्मशाला जो टाउन के आसपास का जो एरिया रहता है, जहाँ से एन रूट लोग आते हैं, जैसे पालनपुर का एक तरफ पालनपुर से आने वाला रास्ता है, आपका ये सकोस से आने वाला रास्ता है, मुख्य रास्ते जो हैं आपका बस स्टैंड की तरफ का रास्ता है, इस तरीके से हम स्ट्रेटजिक लोकेशन पर जो है अपनी नाकेबंदी करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे CCTV कैमरेज के रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो लगाने का अनुरोध किया है, जो कि HPCA लगवा रहे हैं। हमारे पार्किंग प्लेसेस में भी CCTV कैमरे लगवा रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ में साइनेजेज लगाने के लिए हमने कहा है, लोगों को जानकारी लें कि कहाँ जाना है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ किस गेट से एंटर करना है। ये सारी व्यवस्था से संबंधित जो है वो पीछे हमारी मीटिंग हुई है, उपायुक्त जिला कांगड़ा ने सभी अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की है उसमें ये बातें तय हो गई हैं। तो हर एक जो विभाग है अपना अपना काम जो है उस तरीके से कर रहा है। 3 घंटा पहले जो है जनरली अलाउ करते हैं, तो 4 बजे से जो है वो एंट्री, 7 बजे का मैच है तो 4 बजे एंट्री जो है वो कर सकते हैं। रोड्स बाकी तो हमारे सारे रोड जो हैं वो ओपन है, जैसे चल रही है ट्रैफिक वैसे चलेगी, लेकिन जो हमारा स्टेडियम से जो रोड जाता है दाढ़ी की ओर, उस रोड पे जो वहाँ के निजी जो लोग हैं, जिनको जिनके घर है, वो तो अलाउड है, बाकी आम ट्रैफिक हम वहाँ से अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उस रोड से मूवमेंट VVIP मूवमेंट भी रहे। 4 से 5 हमारे ड्रोन हैं, उन ड्रोन्स का भी हम प्रयोग करेंगे पार्किंग एरिया में, और जो सुरक्षा से संबंधित जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, अलग अलग समय में अलग अलग जगह में हम ड्रोन को यूज़ करेंगे, ताकि उसमें सारी ये जानकारी जो है हम एकत्रित कर सकें। मोटे तौर पर खिलाड़ियों के साथ नज़दीक में कोई नहीं रहेगा, उसका एक पूरा हमने एक प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी भी दूरी में जो इनर कॉर्डन वाले हैं सुरक्षा जो अधिकारी है, उन सभी का यहाँ पे जो है वो कोविड टेस्ट किया जा रहा है, और कोविड टेस्ट के पश्चात वही व्यक्ति उनके साथ ड्यूटी देंगे जो कोविड नेगेटिव होंगे।